Hola amigos, ¿cómo están? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेके आया हूँ कि कोई भी शब्द को, कोई भी वर्ड को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। सुस्तंतिवो या नोम्बरी, सुसंति को उसको कहते हैं इंग्लिश में, अगर देखा जाए तो नाउन जिसको कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक, नाम किसे कहते हैं? दुनिया में किसी के नाम को क्या है, किसी कोई भी चीज के चीज को उसको क्या कहते हैं? नाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक, देखिए सुसंति को आप जो है ना दो भागों में बांटा गया है, एक नोमेरो एक खेनेरो। स्पेनिश में एक मोमरे खेनेरो। अगर हिंदी में देखा जाए जिसे, वो नोमरे का मतलब होता है वाचन, खेनेरो का मतलब होता है जेलिंग, मतलब इंग्लिश में जेंडर, और फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। हिंदी में देखा जाए तो स्त्रीलिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इसको देखते हैं। ठीक, नोमेरे को जाना दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे सिंगुलर, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल। देखते हैं पलाब्रा, पलाब्रा कितना, स्पेनिश में पलाब्रा कोई भी शब्द को, कोई भी वर्ड को स्पेनिश में क्या कहते हैं? पलाब्रा कहते हैं। और कोई भी शब्द के अंत में अगर वोवेल हो, वोकल, स्पेनिश में वोकल, इंग्लिश में वोवेल। ठीक, और अंत में भोकल हो तो उसमें सिर्फ एस लगाकर, स्पेनिश का एस से इंग्लिश का एस, एस से जोड़कर उसको प्लूरल बनाया जाता है। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि कासा, आप लोगों को बता चुके हैं कि कासा का मतलब होता है घर। ठीक, उसको जो प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कासा, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें एस ऐड कर देना है, इस प्लूरल बन जाएगा। ठीक, कोचे, कोचे का मतलब होता है कार। ठीक, उसमें सिंपल एस जोड़ देना है, उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? कोचेस। देखिए दोस्तों, अगर तिलते रहे हैं, वोकल में अगर तिलते रहे तो उसको कैसे करते हैं? तो सिंपल सी बात, अगर तिलते रहे या ऐसे रहे, तिलते रहे हटेगा नहीं, बस उसमें ऐसे जोड़ जाएगा। कुछ इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मम आ स्पेनिश में मादर को यानी माँ को क्या कहते हैं? ममा कहते हैं। स्पेनिश स्पेन लोग एक्चुअली उसी तरह बोलते हैं, तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होगा क्या हो जाएगा? मम्मास। मम्मास मतलब तिलदेश का हटेगा नहीं, तिलदेश का रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर एंडिंग में अगर कॉन्सनेंट रहे, कोई भी पलब्रा के अंत में अगर कॉन्सनेंट रहे, कॉन्सनेंट तो आप लोगों को समझ में आ गया, आ ही गया होगा, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। उसके अगर कॉन्सनेंट रहे तो उसमें सिंपल सी बात है कि उसमें ए एस है, उसको ऐड कर देना है, ए एस ऐड करने से उसका पूरा फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि पारित, पारित का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? कि खिड़की, घर का जो खिड़की होता है ना, उसको कहते हैं पारित। तो उसको जो पूरा फॉर्म बनाएंगे तो पारिदेश, पारे देश। ठीक, सिंपल सी इसमें ऐसे ऐड किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वियंती लादोर, वियंती लादोर का मतलब होता है फैन, पंखा। उसका पूरा फॉर्म होगा वियंतीला दोरेस, वियंतीला दोरेस। लास्ट में से ऐसे ऐड किया गया है। ठीक, अगर एंडिंग में अगर आ आ ऐसे
ओ एस अगर आए तो उसमें जो है ना कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसे कि उसका भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। लूनिस, लूनिस का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि मंडे, सोमवार, ठीक। तो उसका जो प्लूरल फॉर्म बनेगा, जैसे कि एल लूनिस सिंगुलर फॉर्म है, उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा लोस लूनिस। ये आपको बताएंगे, ये जो है ना खेनरो में आता है, एल लोस लास, वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप सिर्फ इसको समझिए कि ये सिंगुलर फॉर्म में एल होता है, प्लूरल फॉर्म में लोस होता है। जब इसको प्लूरल किया गया तो सिर्फ लोस हुआ, लेकिन ये जो है ना लास्ट में जो ये ऐसे है, मतलब लूनेस, लूनेस का लूनेस ही है, उसमें नो चेंजिंग। चलिए इसको भी देख लेते हैं। एंडिंग में, एंडिंग में टिल्डे के साथ आई से, ए से, ओ से, उ से रहे तो उसमें ए से एड करके प्लूरल बनाया जाता है, ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे जापोनेस, एक्चुअली क्या है स्पेनिश में कि कोई भी अगर नाम है, ठीक, उससे पहले अगर जे है तो उसका जो उच्चारण होगा वो इंग्लिश में जिस तरह करते हैं उसी तरह होगा, मतलब नाम के साथ जो इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, खोता, ठीक। इसका जब स्पेलिंग करेंगे, उच्चारण करेंगे तो इसका क्या होगा, खोता। लेकिन पढ़ेंगे जब कोई नाउन आता है, ठीक, कोई किसी का भी नाम आता है तो उसका सिंपल जिस तरह इंग्लिश में करते हैं उसी तरह उसका उच्चारण होगा। जापोनेस, जापोनेस यहाँ पे जो तिल्दे है, यहाँ पे जो तिल्दे है वो तिल्दे जब उसका प्लूरल फॉर्म होगा, मतलब एक से अधिक होगा, एक वचन से बहुवचन जब होगा तो वो तिल्दे हट जाएगा और ए से एड हो जाएगा, ठीक। फ्रांसिस, फ्रांसिस, फ्रांसिस एक्चुअली फ्रांस का ही नाम है, उसको जब प्लूरल बनाया जाएगा उसका तो फ्रांसिस, फ्रांसिस, ठीक, इसका तिल्दे हट जाएगा। इसको देख लेते हैं, पाइस, पाइस का मतलब होता है कि कंट्री, देश, हिंदी में बोला जाए तो देश। तो उसका जब प्लूरल फॉर्म में होता है ना तो उसका तिल्दे हटता नहीं है, उसका तिल्दे हटेगा नहीं है। यहाँ पे जैसे देख लीजिए पाइसेस, तिल्दे हटेगा नहीं क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये जो है ना एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर एंडिंग में सेता आए, इंग्लिश का, इंग्लिश में बोला जाए तो जेड आए, ठीक, तो उस जेड को क्या करना है, हटा देना है, मतलब इसको इसको हटा के मास से ए एस से एड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक। पूरे एग्जाम्पलो कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। पेस, पेस, पेस मतलब क्या होता है, फिश, मछली, तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो पेसेस, पेसेस। देखिए यहाँ पे, यहाँ से सीधा हट गया ना, ये हट जाएगा और उसके स्थान पे ये लग जाएगा, ठीक। एक्ट्रेस, 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 ठीक, हिंदी में कहा जाता है हीरोइन। उनका जब प्लूरल बनाएगा तो उससे तो हट जाएगा एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेसेस। तो गाइस आई होप वीडियो बहुत ही अच्छे लगे होंगे।
अगर अच्छे लगे आएंगे तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यारों को शेयर कीजिए। अदियोस, हास्ता लुएगो।